नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो दोस्तों, 2021 का जो आगाज हुआ है वो काफी अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया में जिस तरीके से 2020 में जैसे उनका प्रॉब्लम हुआ था कि पूरा सारा जो थियोरेटिकल रिलीज जो है वो पूरा बंद हो गया था, सारा OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज करना पड़ रहा था। शायद वो समय जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो हुआ कि OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गया है कि आज के दिनों में बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट जो है वो रिलीज कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म में। तो मैं बात कर रहा हूँ मतलब आज 7th ऑफ जनवरी में रिलीज हो चुकी ऑलरेडी जो एक ओरिजिनल फिल्म है कागज की। तो देखिए दोस्तों, ये सलमान खान जो है ये काफी दिनों से सुर्खियों में नहीं है, जबकि हालांकि वो बिजी है अभी बिग बॉस के घर में, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। वो है कि एक बहुत अनोखे एक पिक्चर को उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया है। ये पिक्चर का नाम है कागज, और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सतीश कौशिक। और सतीश कौशिक का भी जो समय है वो भी काफी अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उनको छलांग मूवी में बहुत अच्छा एक कैरेक्टर निभाते हुए देखे, और अभी वो बहुत बिजी भी है रेडियो शो को लेके। तो सतीश कौशिक बहुत दिन बाद एक कमबैक कर रहे हैं, और एक ऐसी कहानी लेके कमबैक कर रहे हैं जो कहानी एक इंडियन फार्मर की है जो आजमगढ़ से है, और जिनका जो लड़ाई है वो 17 सालों से वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, केवल अपना वजूद को वापस लाने के लिए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स के लिए, शख्स के ऊपर जिसका नाम है लाल बिहारी। ये जो जो इंसान है, इनको भारत सरकार के किसी दफ्तर ने इनको मृत घोषित कर दिया जीवित होते हुए, और उनका जो रियल लाइफ स्ट्रगल है उस रियल लाइफ स्ट्रगल को दिखाया गया है ये पर्टिकुलर ओरिजिनल फिल्म में। इस फिल्म में जो लाल बिहारी का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी, जबकि यहाँ पे उनको भारत लाल के नाम पे यहाँ पे दिखाया जाता है। और साथ ही में उनका जो पूरा जो स्ट्रगल है, जो मृतक संघ, भारतीय मृतक संघ, जहाँ पे आज के दिन में सच में 20 हजारों से भी ज्यादा समर्थक है, वो कैसे भारतीय मृतक संघ के वो प्रधान बने, और कैसे वो इलेक्शन में राजीव गांधी के अगेंस्ट में वो खड़े हो गए, और उसके बाद उनका जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, और कैसे क्या आखिर में उनको वो जो उनको जो जीवित उनको जो घोषणा करना था सरकार ने उनको जीवित घोषणा किया या नहीं किया, या फिर पूरा भारत में ये जो 20 हजार लोग है, सारे प्रांतों से जो ये 20 हजार लोग है, इनको क्या जीवित घोषणा किया जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर बहुत ही एक चर्चित ये विषय है, और इसके ऊपर ये फिल्म जो है वो बनाया गया है। फिल्म का मेकिंग बहुत ही अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि पंकज त्रिपाठी आज के दिनों में जिनका समय चल रहा है वो एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, सारे जो प्रोजेक्ट्स वो हाथ में ले रहे हैं काफी अच्छे हो रहे हैं, तो इसमें भी उनको लीड कास्ट में उनको कास्ट किया गया है। वो ये मूवी का वो हीरो है, और यहाँ पे उन्होंने एक हीरोइक परफॉर्मेंस ही दिया है। ये परफॉर्मेंस को पंकज त्रिपाठी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। और साथ ही में मतलब सारे जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है, यहाँ पे हमने मिता वशिष्ठ को देखा है, यहाँ पे सतीश कौशिक खुद यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो सारे सपोर्टिंग कास्ट है ये काफी अच्छा काम किया है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म का और एक खूबी ये भी है कि इस फिल्म के जो गाने हैं उसमें से एक आइटम नंबर है जो काफी अच्छा लगा मुझे सुनने में, क्योंकि देखिए यूपी बिहार का जो हम लोगों ने अभी तक जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का एक स्टीरियो टाइप बन गया है वो है प्रकाश झा का जो मूवीज होते हैं उसमें क्या होता है कि यूपी बिहार को सब सब जगह में सिर्फ क्राइम क्राइम और क्राइम ही दिखाया जाता है, लेकिन क्राइम छोड़ के भी यूपी बिहार का दूसरा एक एंगल भी होता है वो इस फिल्म में बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है। तो ये फिल्म काफी वेल मेड है, पंकज त्रिपाठी का एक्टिंग जो है वो काफी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, सतीश कौशिक ने अच्छा काम किया है। लेकिन एक जो जगह है जो मुझे लगा शॉर्ट कमिंग है वो यही है कि आज के दिन में देखिए नरेशन डेफिनेटली जरूरी है, जो इस फिल्म का जो मतलब एक और एक बोल सकते हो एक सरप्राइज आपके लिए है कि इस फिल्म का जो आगाज हो रहा है, शुरुआत जो हो रहा है वो सलमान खान के वॉइस से हो रहा है, और फिल्म का जो एंड हो रहा है वहां पे भी सलमान खान ने एक जो कविता है कागज नाम की एक कविता है उन्होंने उनको रिसाइट भी किया है। लेकिन बीच में जो है मतलब इसके बाद और क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके किससे मिल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका मतलब रिएक्शन क्या है, इस पूरा चीज को बहुत सरल तरीके से नैरेट किया गया। एक चीज तो अच्छा है कि ये कोई भी इंसान इस फिल्म को समझ सकता है, लेकिन वो समझाने के चक्कर में कहीं पर मुझे लगता है कि डायरेक्टर खुद इसको स्पून फिटिंग करवा दिए हैं, और ये स्पून फिटिंग के चक्कर में कहीं कहीं में जाके ये फिल्म को बहुत बच्चों जैसी एक फिल्म लगती है, जहाँ पे मैच्योर ऑडियंस लगता है कि मैच्योर ऑडियंस के लिए नहीं है, मतलब सब ऑडियंस इसको देखे, सब इसको सराहे, इस चक्कर में
कहीं पे मुझे वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे पंकज त्रिपाठी मान लीजिए कोई एक सरकारी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो उससे पहले बोल दिया जा रहा है अब वो ये होने के बाद अब वो सरकारी ऑफिस पहुंचा, मतलब अब समझ रहे हो ना, एक कॉमेंट्री टाइप का पीछे हो रहा है, तो वो मुझे काफी अच्छा नहीं लगा। बाकी सब तो फिल्म का ठीक ही है। फिल्म का लेंथ मुझे 1 घंटा 50 मिनट का लेंथ है तो मुझे फिल्म का लेंथ भी काफी अच्छा लगा। एंड OTT प्लेटफॉर्म में जो है कि आप अपने टाइम में अपने हिसाब से आप देख सकते हो, उस हिसाब से भी फिल्म का लेंथ काफी अच्छा है। तो ये काफी अच्छा फिल्म है जो अभी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज किया गया है। तो अगर किसी को अच्छा एक्टिंग की मतलब एक्टिंग अच्छा देखना है, अगर किसी को अच्छी बायोपिक देखना है, अगर किसी को सच्ची घटना पर आधारित मूवीज पसंद है, तो उसके लिए डेफिनेटली एकदम मतलब मस्ट गो एक फिल्म है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो कृपया जाके इस फिल्म को देखें। मैं बहुत ही हाईली रेट कर रहा हूँ फिल्म को। इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और अगर चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो नीचे दिया हुआ है, तो उस बटन प्रेस कर दीजिए, और अगले दिनों में भी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।